बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम हमजा शेर एंड यू आर वाचिंग CDB कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ यूट्यूब चैनल। और आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा डेरी ऑर्चर्ड में जो 1.5 साल पहले कुछ ब्लॉक्स लॉन्च की थी, KLMN ब्लॉक्स, उनका करंट स्टेटस बताऊंगा, डेवलपमेंट स्टेटस बताऊंगा, उनका पोजीशन कब आ रहा है और डिफरेंट जो उनके प्राइस की कौन सी कैटेगरीज थी और क्या प्राइसेस थी, वो मैं आपको एक स्ट्रीट व्यू के साथ अपनी इस वीडियो में मज़ीद ब्रीफ करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के जाने। तो जी व्यूवर, इस वक्त हम जाती उमरा रोड से बैरिया ऑर्चर्ड में एंटर हो रहे हैं। बैरिया ऑर्चर्ड का ये जो गेट है, गेट नंबर 6 है, जिसमें हम बैरिया ऑर्चर्ड में एंटर होंगे। और एंटर होते साथ ही जो हमें ब्लॉक्स मिलेंगी वो M ब्लॉक मिलेगी और उसके पैरेलल जो टोटल ब्लॉक्स हैं KLMN, उसकी अप्रोच मिलती है। अप्रोच वाइज जो ये फेज़ 2 का ये जो है ब्लॉक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा क्लियर है। एंटर होते साथ ही गेट नंबर 6 से, अगर मैं थोड़ा सा आपको एक एस्टीमेट बताऊं, तो बैरिया टाउन लाहौर से कोई 2 से 3 किलोमीटर की ड्राइव पे आप इस गेट की जो एक्सेस है वो हासिल कर सकते हैं। बैरिया टाउन के रेजिडेंट के लिए ये वाला गेट नंबर 6 जो है, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ है कि ट्रैफिक फ्री आप जो एंट्री जो है वो इन ब्लॉक्स में ले सकते हैं। टूवर्ड इस ब्लॉक से आप पूरे बैरिया ऑर्चर्ड को एक्सेस कर सकते हैं और बहुत ईजी। पहले क्या होता था, पहले आपको ड्राइविन रोड की तरफ से, अड्डा प्लॉट की तरफ से, रायवन रोड की तरफ से इन ब्लॉक्स में जाना पड़ता था, जो कि एक बहुत ज़्यादा सफ़र बन जाता था और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाला सफ़र था। तो बाकी मैं आपको ये जो ब्लॉक चल रही है, ये M ब्लॉक चल रही है, M ब्लॉक मेरे सारी जो कंस्ट्रक्शन है, डेवलपमेंट है, ये M ब्लॉक की है। बैरिया मैनेजमेंट ने आज से तकरीबन 1.5 साल पहले KLMN ब्लॉक की जो बुकिंग थी वो लॉन्च की थी। इन ब्लॉक के हवाले से डिफरेंट क्यूरियोसिटी होती हैं कि इस ब्लॉक का पोजीशन कब मिलेगा, तो बहुत जल्द जो है पोजीशन जो है इन ब्लॉक्स का क्लियर कर दिया जाएगा और पोजीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट का जो काम था इन ब्लॉक का, बैरिया की तरफ से टोटली मुकम्मल कर दिया गया है। और ये जो डील थी, ये जो ब्लॉक्स थी, ये लॉन्च की गई थी इंस्टॉलमेंट्स प्लान पे। तो जो इनके इंस्टॉलमेंट प्लान्स की बात करूँ, तो रेजिडेंशियल जो रेजिडेंस प्लॉट थे उनके अगेंस्ट जो इंस्टॉलमेंट्स प्लान था वो इस मार्च के महीने में वो कंप्लीट हो गया है। और ये जो कमर्शियल चल रहे हैं, कमर्शियल का जो इंस्टॉलमेंट्स प्लान था वो अभी इसकी कुछ एक इंस्टॉलमेंट जो है वो पेंडिंग है। M ब्लॉक में कुछ सेलेक्टिव लेन में स्टे था गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि M ब्लॉक की जो बैक साइड है वो जाती उमरा को लगती है, जहाँ पे नून लीग की जो गवर्नमेंट है उनका घर वगैरह है। तो कुछ उन रीज़न और सिनेरियो की वजह से यहाँ पे स्टे था, बट बैरिया की मैनेजमेंट की तरफ से वो स्टे जो थे वो क्लियर करवा लिए गए थे और अब वहाँ पर डिवेलपमेंट का काम जो है वो स्टार्ट, मतलब कि कम्प्लीट कर दिया गया है। और जो मज़ीद वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की जो DBs होती हैं वो भी इंस्टॉल कर दी गई हैं। M ब्लॉक जो कि गेट नंबर 6 से एंटर होते साथ ही M ब्लॉक स्टार्ट होती है, अगर मैं वहाँ पे आपको प्राइसेस बताऊँ कि किस प्राइसेस में आपको वहाँ पे 5 वाला प्लॉट्स मिल रहे हैं, जो बाउंड्री के प्लॉट्स हैं वो उनकी वहाँ पे प्राइसेस हैं 48 लाख। जो बाउंड्री से थोड़े से आगे के प्लॉट्स हैं जो बाउंड्री के नहीं हैं, जनरल प्लॉट्स हैं, उनकी प्राइसेस 50 to 50 लाख में वहाँ पे प्लॉट्स मिलते हैं। जो अच्छी लोकेशंस के प्लॉट हैं, जैसा कॉर्नर प्लॉट्स हो गए और फेसिंग प्लॉट्स हो गए, उनकी जो प्राइस रेंज है वो 56 से 57 लाख में M ब्लॉक में आपको प्राइसेस मिलती हैं। M ब्लॉक में जो कमर्शियल प्राइस लॉन्च की गई थी वो 1.5 करोड़ रुपये की गई थी, और अब जो करंट मार्केट में कमर्शियल प्लॉट्स की डिमांड चल रही है वो 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक चल रही है। एज़ पर माई ऑब्जर्वेशन के आने वाले टाइम में M ब्लॉक के जो कमर्शियल हैं उनमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट का काम देखने को मिलेगा। उसकी रीज़न ये है कि जब भी किसी किसी ब्लॉक में या सोसाइटी में एंटर होते हैं, तो एंटर होते साथ ही आपको जो लेफ़्ट साइड पे कमर्शियल मिलता है उसका डेवलपमेंट का काम काफ़ी तेज़ी से किया जाता है, क्योंकि हाईली डिमांडेबल वो कमर्शियल लेन्स होती हैं। और इसी वजह से M ब्लॉक और N ब्लॉक के जो कमर्शियल हैं उनमें 10 लाख रुपये का डिफरेंस है प्राइसेस में, 10 लाख
लाख रुपए की प्राइसेस में डिफरेंस है। एम ब्लॉक के पैरेलल जो एल ब्लॉक चल रहा है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट का काम कंप्लीट हो गया है। मैं थोड़ा सा प्राइसेस से आपको अपडेट करूँगा कि एल ब्लॉक में क्या प्राइसेस चल रही हैं। मिनिमम जो प्राइसेस हैं 5 मरला प्लॉट की वो 50 लाख से स्टार्ट होती हैं। लोकेशन वाइज जो प्लॉट होंगे उनकी जो प्राइसेस हैं वो 55 लाख हैं। और ऑन दी अदर साइड जो एन ब्लॉक है उसमें जो 5 मरला प्लॉट की प्राइसेस हैं, बाउंड्री वाले प्लॉट्स होंगे तो उनकी प्राइसेस हैं 41-42 लाख में डिमांड की जाती हैं। और जो जनरल प्लॉट्स होंगे उनकी डिमांड होती है, डिमांड जो की जा रही है, आस्किंग की जा रही है, वो 45-46 लाख पे आपको एन ब्लॉक्स में प्राइसेस जो हैं प्लॉट्स के अगेंस्ट मिलेगी। आफ्टर बैरियर टाउन लाहौर जो था वो रिसेंटली उसमें सेक्टर ई और एफ एलडी अप्रूव्ड हुए हैं, तो उसका इम्पेक्ट जो है बैरियर ऑर्चिड की मार्केट में भी आया है, जिसकी वजह से प्राइसेस जो हैं वो मज़ीद इंक्रीज़ हो रही हैं इधर बैरियर ऑर्चिड में। और जो जो भी इन्वेस्टर या एंड यूज़र बाइंग करेंगे KLMN ब्लॉक में 5 मरला में बाइंग करेंगे तो आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेडली उनको 20 से 25 लाख रुपए का प्रॉफिट जो है वो मिलेगा। क्योंकि एज़ कम्पेयर टू अदर ब्लॉक्स में देखा जाए जो 12 ब्लॉक्स हैं उनमें जो 5 मरला प्लॉट्स की प्राइसेस हैं वो 65-75 लाख में 5 मरला के अगेंस्ट जो प्राइसेस हैं 5 मरला प्लॉट्स की चल रही हैं। और ये एक आने वाले टाइम का बेस्ट ब्लॉक होगा, बेस्ट फेज़ होगा जिसमें ये सब KLMN ब्लॉक जो हैं वो फॉल कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप चैट का लिंक दिया गया है, अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं जस्ट उस लिंक पर क्लिक करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।